ये भी गोलियों के निशान है, ये भी है, ये भी है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक कैफे लियोपोल्ड के अंदर, जो कि 150 साल से भी ज्यादा पुराना कैफे है। और भाई जितना फेमस है ये कैफे अपने फूड के लिए, उतना ही जाना जाता है ये अपनी हाई स्पिरिट के लिए, क्योंकि हॉरिफाइंग मुंबई टेररिस्ट अटैक में सबसे पहले निशाना इसी कैफे को बनाया गया था और कम से कम 10 इनोसेंट लोगों की इस कैफे के अंदर जान चली गई थी। और आज भी यहां आकर आप गोलियों के और हैंड ग्रेनेड के निशान दीवारों पर देख सकते हैं। और भाई अगर आप भी मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस कैफे में एक बार जरूर विजिट करें और यहां के यम्मी फूड का लुत्फ जरूर उठाएं। भाई सलाम है इस कैफे के और मुंबई के लोगों की जिंदा दिली को। और दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ आइकॉनिक कैफे लियोपोल्ड के बाहर और भाई ये 150 साल से भी ज़्यादा पुराना कैफे है, अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल कैफे है। तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कितना पुराना कैफे और ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस आइकॉनिक कैफे को, आइए मेरे साथ। मेरे साथ इस कैफे के मैनेजर सर, स्वागत है आपका। तो थोड़ा इस कैफे के बारे में बताइए, मैंने बहुत नाम सुना है इस कैफे के बारे में, इतना आइकॉनिक कैफे और 150 साल से ज़्यादा भी पुराना कैफे है। वी आर फ्रॉम 1871, बट लॉट ऑफ चेंजेस हैव गॉन ऑन, मतलब बहुत सारे बिजनेस में चेंजेस हुए। और अभी जो कैफे दिख रहा है वो 1980 के बाद अब जो माहौल है जो इस प्रकार का है। और यहाँ पे 2008 में जो अटैक हुआ था उसके गोलियों के निशान जो है वो अभी हमने प्रिजर्व किए थे। हम चाहे तो यहाँ का मतलब चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि देखा हमने कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे और हमें पूछ रहे हैं कि प्लीज शो अस द बुलेट मार्क, बी इट फॉरेनर्स और बी इट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। आज भी आज की तारीख में 15 साल हो गए ये बात को, लेकिन फिर भी हमारे पास टूरिस्ट अभी भी आते हैं तो पूछते हैं आपकी जगह के बारे में, बहुत सुना है आपने बुलेट मार्क रखे हैं, तो हम दिखाते हैं। जैसे वहाँ पे वो लेडी बैठी है वो टी शर्ट के नीचे, वहाँ पे एक बुलेट मार्क है, ये एक बुलेट मार्क है, मेजर बुलेट मार्क। ये ऊपर पिलर में भी है, ऊपर वो सीलिंग में है, आप देख सकते हैं ये बुलेट मार्क्स हैं। सर यहाँ पे जब शुरुआत में वो लोग आए थे तो वो लोग ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका दिया था, वो हैंड ग्रेनेड क्या किया, जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ से ये काउंटर पे बाउंस हो गया, वो बाउंस होकर फिर बाद में ये ज़मीन पे लगा था। उसका होल का निशान अभी भी हमारे पास में है, ये वो हैंड ग्रेनेड का निशान है। ओह माय, ये बाजू में आई आइए दिखा था आपको, ये भी गोलियों के निशान है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए इसका जो नाम जो है लियोपोल्ड, इट इज़ डिराइव वे बैक इन 1871, वो लियो बेल्जियम के एम्परर थे, उनका नाम था लियोपोल्ड। तो जब ये इनके जो एंसेस्टर्स ने जब चालू किया ये जगह, इट वाज नॉट अ रेस्टोरेंट, मतलब ये दूसरा शुरू में दूसरा बिजनेस था। दे लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव टेकन ओवर, लाइक ऑयल मर्चेंट्स और वाइन मर्चेंट्स, ऐसे करके बहुत सारे बिजनेस चेंज हुए। अभी जो कैफ़े है वो ये उनके जो मतलब डिसेंडेंट से वो चला रहे। तो ये जगह अभी इसके लिए फेमस है कि यहाँ का खाना जो है, खाना जो क्वांटिटी हम लोग सर्व करते हैं, इट्स अ मल्टीपल क्यूजिन। अगर आप खाना देखेंगे तो हर प्रकार का खाना यहाँ पे मिलता है, चाहे वो इंडियन हो या कॉन्टी हो, चाइनीज़ हो, तंदूर हो, ये मल्टीपल क्यूजिन। सबसे आपका फेमस डिश कौन सा है जो कि लोग आते हैं? चिकन चिली बोनलेस फ्राई। अच्छा, चिकन चिली बोनलेस। तो भाई ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्लेस है, आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फेमस कैफ़े है। और आज भी ये ओल्ड स्कूल की तरह दिखाई देता है, जो पहले था एज इट इज उसी तरह से आज भी इसको बरकरार कर रखा गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं भाई, काफ़ी सारे फॉरनर्स यहाँ पर आते हैं यहाँ के जो मल्टीपल कुजींस हैं उनका स्वाद लेने के लिए। कोई बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ पर आते हैं? आए हुए पिछले, आए हुए, आते रहते हैं। शूटिंग भी हुई थी अभिषेक बच्चन की। अच्छा, उनका याद नाम याद है। ओके तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ आइकॉनिक लियोपोल्ड कैफे। भाई अगर आप मुंबई विजिट कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये प्लेस हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ का खाना नो डाउट बहुत ही टेस्टी है। तो
मैं तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैनेजर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप यहाँ का चिकन हरीसा और ये लियो स्पेशल ड्रिंक जो है ये एक बार ज़रूर टेस्ट करें। तो हम यहाँ का जो भी यहाँ का फेवरेट फूड है वो मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ इसका टेस्ट कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लियो ड्रिंक से। ज़बरदस्त, ये आ चुके हैं यहाँ चिकन लॉलीपॉप। चलिए टेस्ट करते हैं, ये सॉस है, इसके साथ इस तरह से डिप करो और लिक करो। ऑसम भाई, बहुत ही क्रिस्पी है, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप कभी नहीं खाया। क्रिस्पीनेस के अलावा बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं भाई, ये है अपना चिकन ब्लैक पेपर सॉस। अब बारी है यहाँ के डेजर्ट ट्राई करने की। ये आ चुकी है मेरी परफेक्ट सी बाइट। मेल्ट इन माउथ। अब मैं बाइट लेता हूँ अपनी ब्लूबेरी चीज़ केक। इधर दिखाओ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है भाई। आप देख सकते हैं ये हमारा आज का यहाँ पर लंच आ चुका है। ये जो मैनेजर ने हमें सजेस्ट किया है, यहाँ का बेस्ट है ये चिकन, चिकन इन ब्लैक पेपर सॉस विद फ्राइड राइस। चलिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ ओपियम केक एंड ब्लूबेरी चीज़ केक। दिखाओ भाई, और अपने यहाँ के बहुत ही क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी यम्मी चिकन लॉलीपॉप। और ये मैं, हमारी जो टीम है वो बहुत, मतलब उनको बहुत भूख लग रही है। यहाँ का चिकन हरीसा बहुत स्पेशल है, बहुत टेस्टी है, ये भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। चलिए अब इसकी बाइट लेता हूँ और वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, और आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।